एक बार की बात है, एक बूढ़ा राहगीर काफी थक चुका था। वह टिकने का स्थान खोजने लगा। एक महिला ने उसे अपने बाड़े में ठहरने का स्थान बता दिया। बूढ़ा वही चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पूर्व सोचा कि यह अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका ली जाए और फिर उसे खाकर आगे का सफर तय किया जाए। बूढ़े ने वही पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। खिचड़ी पकाने का बर्तन उसने उसी महिला से मांग लिया। बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूं, आपके बाड़े का दरवाजा बहुत कम चौड़ा है। अगर सामने वाली भैंस, जो बहुत ही मोटी है, वह मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे आप ले जाएंगी? महिला को इस व्यर्थ की कड़वी बात का बुरा तो लगा, पर वह यह सोचकर चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पक पाई थी कि वह महिला किसी काम से बाड़े से होकर गुजरी। इस बार बूढ़ा फिर उससे बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा तो बहुत ही कीमती लगता है, यदि तुम विधवा हो जाओगी तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे में तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इस बार महिला से सहा न गया, वह भागती हुई आई और उस बुढ़े के गमछे में अधपकी खिचड़ी पलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया। अपने बर्तन जो उसने खिचड़ी पकाने के लिए दिया था, वह उस बुढ़े से छीन लिया और बुढ़े को धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। तभी बुढ़े को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अधपकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में जब लोगों ने उससे पूछा कि यह सब क्या है, बूढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तिरस्कार कराया और अब हंसी उड़वा रहा है। इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें हर बात सोच समझकर ही बोलना चाहिए। बात कोई बोलने से पहले पहले उसको तोलना चाहिए। भले ही हम कम बोले, लेकिन मधुर बोले और सोच समझ करके बोलना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।